नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हाथरस में फर्जी फाइनेंस कंपनी का भंडाफोड़, दो ठग दबोचे। फर्जी तरीके से नौकरी पर रखकर लोन दिलाने के नाम पर कराते थे ठगी। जनपद हाथरस में फर्जी आराध्या फाइनेंस कंपनी से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो सदस्य गिरफ्तार। कब्जे से 14,000 रुपए का कैश, एक लैपटॉप, 4 स्मार्ट मोबाइल फोन, 5 आधार कार्ड, 9 सिम कार्ड हुए बरामद। फाइनेंस कंपनी में फर्जी आईडी कार्ड व ज्वाइनिंग लेटर देकर लोगों को नौकरी पर रखते थे यह लोग। लोन स्वीकृति व फाइल चार्ज के नाम पर फर्जी खातों में ऑनलाइन पैसा डलवाते थे पकड़े गए सदस्य। जिला मेरठ में कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र निवासी फतेह मोहम्मद का पुत्र नदीम चलाता था कॉल सेंटर। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव नगला भूरा निवासी स्वर्गीय इदल सिंह के पुत्र अमित कुमार ने की थी शिकायत। एसपी के निर्देशन में थाना साइबर क्राइम द्वारा की कार्यवाही में हाथरस जंक्शन क्षेत्र के रेलवे फाटक के पास से की गिरफ्तारी। एएसपी ने पुलिस कार्यालय में किया खुलासा, घटना की दी पूरी जानकारी। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक हाथरस ने क्या कहा। हाथरस से जिला संवाददाता पवन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। साइबर थाना पुलिस टीम के द्वारा एक फर्जी लोन कंपनी का पर्दाफाश किया गया है। इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 4 मोबाइल फोन, 5 आधार कार्ड, 9 सिम कार्ड और एक लैपटॉप और 14,000 रुपये कैश बरामद किए गए हैं। इनके पास पूछताछ में जानकारी मिली है कि ये असली है कि इनके द्वारा जो फर्जी कंपनियां लोगों के द्वारा बनाई गई थी उसमें इनको नियुक्ति पत्र देकर लोगों से कहा जाता था कि आप लोगों के लोन करवाइए। उस लोन के नाम पे लोन के कागज जब कंपनी तक पहुंच जाते थे व्हाट्सएप के माध्यम से, तब उनसे कहा जाता था कि आप प्रोसेसिंग चार्ज और फाइल चार्ज के रूप में इनको पैसा जमा कराया जाता था। जब पैसे वहां पहुंच जाते थे तो ये कंपनियां वहां से पैसा लेके चंपत हो जाती थी और इनके इनके लोन के किसी प्रकार के इनके खाते में कोई पैसा न आने की वजह से तब इन्हें जानकारी हुई कि इनके साथ ठगी हो गई। ये गैंग में अभी सरगना जो है इसका नदीम नाम का एक व्यक्ति है, इसके बारे में जानकारी मिली है। और लोगों के बारे में इसमें और इनसे पूछताछ करके गहराई से इसके और लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी।